पहले जेल, फिर एनएसए और 9 महीने के बाद जमानत। ये कहानी है मनीष कश्यप की, जिसे सन ऑफ बिहार कहा जाता है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के पिटाई का फेक वीडियो बनाने के आरोप के मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RAA 24 न्यूज। दोस्तों, मनीष कश्यप अभी पटना हाई कोर्ट के बेल पर जेल से बाहर आए हुए हैं और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थक आप देखे होंगे कि जेल से बाहर निकले हैं, और जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं तो उनके समर्थकों की गजब भीड़ देखने के लिए मिली। ये कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा संदेश है। बिहार परिवर्तन की तरफ है क्या? एक युवाओं ने इस प्रकार की बिहार में क्रांति लाजी, और जिस प्रकार से ऐसा लगता था कि मनीष कश्यप जेल चले गए, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी लगा दिया गया था, उनको भरसक तोड़ने का प्रयास किया गया था, और लग रहा था, लोग कह रहे थे, विरोधी उनके कह रहे थे सारे लोग कि मनीष कश्यप डर गया, शांत हो गया, टूट गया, अब कुछ नहीं करेगा। ये सब चीजें जब जेल से निकले हैं तो मनीष कश्यप की वही स्थितियां देखने के लिए मिली। मनीष कश्यप ने उसी अंदाज में, आपको मैं अतीत में इससे पहले ले चल रहा हूं कि 2 महीने पहले जब आप देखे होंगे कि पटना हाईकोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं एक फौजी का बेटा हूं, मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, मेरे पिताजी पाकिस्तान के युद्ध में लड़े हैं, हम कोई चारा चोर का बेटा हैं। बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया है, हम भी एक दिन सरकार बनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलाया जाता है। आज उसी अंदाज में फिर मनीष कश्यप ने, जिस प्रकार से लोग ये सोच रहे थे कि मनीष कश्यप डर जाएगा, तो ये कतई देखने के लिए नहीं मिला। उससे पहले उसके तमाम विरोधी कुछ ऐसे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक एक्सपोज फोक्सपोज बिहार वाला था, एक निशांत वर्मा जो महाशय हैं, वो भी गजब के, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले, निकलने से पहले उनके जो दर्शक थे उनके ऊपर अनाप शनाप, मनीष कश्यप के ऊपर अनाप शनाप, मनीष कश्यप के परिवार के माँ भाई के ऊपर अनाप शनाप, जो भी उनका मदद करते थे सभी के ऊपर ये महाशय खुल करके बोलते थे। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप बाहर निकले हैं, कहा कि मैं माई कभी नहीं छोड़ूंगा, आप इस वीडियो को जरा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा धर्म है और उसका कर्तव्य जो है हमें निभाना है। हालांकि कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ, मेरा जुबान फिसल जाता है, मैं हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे से अच्छे ढंग से आप लोग पत्रकारिता करते हैं। अगर आज मैं माइक छोड़ दिया ना, तो ये जो मतलब कि बिहार को कुर्सी पे बैठ के दिमाग की तरह नोच रहे ना, ये जीत जाएंगे। इन्हें लगेगा कि एक पत्रकार को जो है हमने जो है हटा दिया, रास्ते से हटा दिया। तो बस इतना ही कहूंगा कि मैं माइक कभी नहीं छोड़ूंगा, माइक और मेरा साथ जो है हमेशा रहे। देखा आपने कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने कहा कि मैं माइक कभी नहीं छोड़ूंगा, और जो आज से 2 महीने बाद कहा था कि बिहार में कंस की सरकार है और हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, यानी 2 महीने पहले यही बात अपने दूसरे लहजे में मनीष कश्यप ने कहा था कि हम कोई चारा चोर का बेटा हैं, हम चारा चोर का बेटा नहीं है, हम फौजी के बेटा हैं। तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं, जो जेल से जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मनीष कश्यप टूट जाएगा, तो ये देखने के लिए नहीं मिला। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप ये करीब 9 महीने जेल से 9 महीने बाद निकले हैं,
तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी मजबूत और जिस प्रकार से उनके लहजे हैं, इसे लगता है कि अब वो राजनीति में जाएंगे। ये तो फिलहाल देखना होगा, लेकिन एक मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति की तरह से एक जैसे जेल से निकलते हैं और सीधे सबसे पहले जाते हैं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गया में, और जा करके उनके मूर्ति पर फूलमाला चढ़ा करके जिस जगह को दशरथ मांझी ने छिन्नी हथौड़ी से रास्ता बनाया था, वहां पर जा करके मनीष कश्यप ने जो आगाज किया, और उसके बाद आ करके सीधे अपने माँ से मिलते हैं। और गाँव में जिस प्रकार से उनके समर्थक देखने को मिले, जेल से बाहर करीब करीब 5-10 हज़ार लोग रहे होंगे, 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी। समझिए कि 1 किलोमीटर तक स्टेशन सिटी पटना स्टेशन पर भी जो है काफ़ी लोगों की भीड़ थी, और गांव में जिस प्रकार से रथ को सजा करके तमाम लोग जो हैं, ये न कहीं दोस्तों बिहार बदलाव की तरफ है। और कहा जाए कि मनीष कश्यप उसी अंदाज में उन्होंने कहा कि पत्रकारिता मेरा धर्म है, मैं पत्रकारिता को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। ये तमाम चीज़ों को ये संदेश दे रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को यह नशे लगाया, तमिलनाडु के जेल में काला पानी की सजा मनीष कश्यप जो काट करके आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप से पहले तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया ने बिहारी मजदूरों के फेक वीडियो बनाने के मामले में जो था वो खबरें चलाए थे, पेपर में छपा था, खुद ही बिहार के नेताओं ने इस बात को कहा था, और मनीष कश्यप ने खुद ही कहा था कि नीतीश बाबू जरा चश्मा तो उठा करके देखिए, क्या बिहार के मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई हुई है, यह सत्य है। और जा करके वहाँ ग्राउंड जीरो पर हकीकत उन्होंने दिखाया था, जिसकी सजा मिली, और सजा ये मिली कि एनएसए लगा दिया गया, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। भैया क्यों लगा दिया गया था? कि मनीष कश्यप जो है क्या कर रहा है, दो राज्यों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, दंगा भड़काने का काम कर रहा है। ये तमाम चीज़ें लगा करके उसको ऐसा कर दिया गया था कि वो जेल से बाहर ना आ पाए। उससे अधिक कितने नेता जो हैं विवादित बयान देते रहते हैं। विषय मेरा ये नहीं था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि उससे खुद ही तेजस्वी यादव, मैं पूछ रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने क्या दंगा भड़काने का काम नहीं किया था? लेकिन भैया कौन बोलेगा, सरकार इनकी है, हम भी बोलेंगे, हमारे ऊपर भी एनएसए लग जाएगा, ये भी दंगा भड़काने का काम किए हैं। समझ लीजिए, जब ये बोले थे, जब राहुल गांधी की, आपको मैं बता दूं, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। क्यों गई थी? बोला था मोदी सरनेम को लेकर के, जितने मोदी सरनेम के लोग जो हैं वो क्या हैं, चोर हैं। तो उसी तरीका से सीधे सीधे तेजस्वी यादव जी भी जो थे, उन्होंने कहा था गुजराती क्या है, ठग। ठग का अभिप्राय क्या होता है भैया? चोर से ही होता है। तो आप दंगा भड़काने के काम नहीं कर रहे हैं, यह सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र गुजरात चाहे जो भी राज्य हो, बिहारी मजदूरों उत्तर भारतीय मजदूरों के साथ पिटाई वहां होता है, सताए जाते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव ने अगर ये बात कहा तो क्या गुजराती भगाना चालू कर दे, पीटना चालू कर देंगे, तो ये दंगा भड़काने की काम नहीं हुआ। स्टालिस, वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एमके स्टालिस के बेटे जो हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह से फैलता है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। क्या ये दंगा भड़काने का काम नहीं किए थे? इनके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें थी, और मनीष कश्यप जो है हकीकत जो है जमीन पर ग्राउंड में लोगों की आवाज को उठाता था और दिखाता था बिहार के भ्रष्टाचार को,
तो जेल से निकलने के बाद भी अब उसी अंदाज में मनीष कश्यप है कि ना माइक मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और पत्रकारिता मेरा धर्म है और हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान जाइए। बिहार के भोले भाले लोगों को जो है वो सजा कौन दे रहा है? श्री कृष्ण क्या करते थे? गैया का चारा का व्यवस्था करते थे। कंस क्या करता था? गैया का चारा खा जाता था। हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग श्री कृष्ण के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग जो है उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हम लोग जो है बिहार के निर्दोष भोले भाले लोगों को जो है इंसाफ दिलाएंगे और जो कंस है उनका हक मारेगा। अगर हम लोग बिहारी हैं, बिहार में पैदा होना ही एक बहुत बड़ा संघर्ष है और जब हम संघर्ष करके बिहार में पैदा हो गए हैं तो बिहार को बदलने की जिम्मेवारी सिर्फ मनीष कश्यप के कंधे पे नहीं है, आपके भी कंधे पे है, हम सबके कंधे तो पे। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक की तरफ जा रहे हैं, अपना वो करियर भी देख रहे हैं कि बिहार को बदलना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये तमाम चीजें हैं। और जिस प्रकार से उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया है तो बिहार में कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। दोस्तों हमारा आज यही वीडियो बनाने का मकसद था कि किस प्रकार से मनीष कश्यप को फंसाया गया, क्या जेल जाने के बाद जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष कश्यप डर गया और अभी आने के बाद क्या है और क्या बिहार में मनीष कश्यप बदलाव लाएगा, ये तमाम विषयों को अगर हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, राजानुजा शुभकामना।